बहुत स्मूथ और अच्छे तरीके से सेशन कर लें। क्या चाह रहे हैं भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल आप कैसे गुड, हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। सो अभी लाइव वी आर चलें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ द फ्राइडे नाइट शो। अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम हमारा सेशन आप तक नहीं पहुंच सका ड्यू टू सम इंटरनेट इश्यूज व्हिच वाज सर्वर के बैक एंड से था, सो वी कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट वी आर बैक एंड इंशाल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह ताला हम आज का सेशन स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से आज कवर करेंगे। और आज का जो सेशन है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको रखने की मेरी वजूहात कुछ और थी। और वी आर नॉट जस्ट अननेसेसरीली ट्राइंग टू जस्ट फोकस ऑन वन इशू, बट इसके पीछे बहुत सी साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, इसके पीछे बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसको हमें बात करना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो ये इंसिडेंट हुआ जो कैमरॉन हैरन का जो बेशोर कार एक्सीडेंट था, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला तफसील से बात करेंगे। काफ़ी सोशल मीडिया पर टिकटॉक की वीडियोस पर हमने देखा लोग बातें कर रहे हैं कि ओ माय गॉड इतना क्यूट है, इसको मेरे मुझे इसके साथ बंद कर दो, इसकी जगह मुझे भेज दो, इतने जालिम समाज क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके साथ ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह, नॉट इवन रियलाइजिंग कि उसका क्राइम क्या है, उसका गुनाह क्या है। और वो हमारी कॉम बेसिकली जो है ना बड़ी जल्दी सिंपथाइज करना शुरू कर देती है विदाउट इवन लुकिंग एट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आज मेरा रीजन है इसको रखने के लिए, खूबसूरती जो है ना सब चीज आपको भुला देती है। जैसे हमने टॉपिक का टाइटल भी रखा था, नीचे सब टाइटल रखा था कि आप खूबसूरत हो तो आपके ऊपर 100 खून माफ है, आपके ऊपर 100 खून माफ है। तो जो है इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं वापस से वेलकम करूंगा हमारे लास्ट टाइम के पैनल के पार्टिसिपेंट्स, चूंकि रिकॉर्डिंग की वजह से, इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग की वजह से हम आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए थे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं तला भाई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है सेकेंड टाइम आपको मेरे शो में आके? इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस जैसे है भाई, तो मैं आप सबका अपना शो, बट ये कि हमारे तला भाई जो है बेसिकली ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईबीए एंड ही डिड हिज मेजर्स इन फाइनेंस फाइनेंस एंड आज हमारे साथ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। तो क्या चल रहा है तलावा जिंदगी में? जी भाई, वही जो रूटीन लाइफ होती है, बट सोना उसमें से नहीं सोना तो नहीं, सही हम तो आपको पता है जॉब वाले लोग हैं, लेकिन बस जब से एसोसिएट किए हैं वाईसी से एंड उससे पहले भी एक इरादा कर लिया कि इंशाल्लाह ताला जो भी है कुछ भी हो जाए आपको डेली टाइम निकालना है टू लर्न दीन एंड टू प्रैक्टिस दीन। माशाल्लाह। तो उसके लिए माशाल्लाह से आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है टू बी एबल टू लर्न दीन? अभी फिलहाल तो नहीं, बट जो मेरा अभी पास का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें यही है कि मोस्टली इट हैज बीन सेल्फ लर्निंग, बट अभी ऑब्वियसली जब आपको पता है कि जब आप इन ऑर्डर टू गेन क्रेडिबिलिटी यू नीड टू लर्न इट अंडर द उलमाज एंड शेख्स वगैरह, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इरादा है। चले माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। जो दूसरे हमारे पार्टिसिपेंट हैं, चूंकि हमारे शहरियार भाई जो पहले से आपको स्विच करके दिखा दिए हैं उन्होंने, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमारे जरेन ब्रदर हैं, सलाम, हमारे मीडिया के हेड हैं माशाल्लाह से। जरेन आप सबसे पहले तो ऑडियंस को बताइए कि आप हैं कौन और क्या करते हैं यूथ क्लब में और यहाँ सीट पे कैसे आ गया? इस सीट में तो बड़ी लंबी जर्नी है, दैट इज अ स्टोरी फॉर अनदर डे। मैं यूथ क्लब में मीडिया कोऑर्डिनेट करता हूँ और साथ साथ कराची को मैं लीड कर रहा हूँ टीम को, और जितनी भी आप वजी भाई की वीडियोस देखते हैं उन सब के पीछे मैं होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए देखिए हम माशाल्लाह से देखने की किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ज़रीन हैज बिन वेरी हेल्पफुल एंड बिन वर्किंग हार्ड। तो आप जितना भी वीडियोस में एक स्टाइल का डिफरेंस देखते हैं माशाल्लाह से, यूथ क्लब के अंदर एक यूथ का एक एस्पेक्ट झलकता है, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड माशाल्लाह से हैं उम्र में छोटे, लेकिन ये है कि काम कर रहे हैं बड़े बड़े। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे सब टीम मेंबर्स को और जो जो दिन के काम में इन्वॉल्व है उनको इखलास अता करे। चले जी, आज के टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को वजाहत देता चलूँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग हैं जो दे जंप टू कंक्लूजन, और जंप टू कंक्लूजन क्या होता है? ओ माई गॉड, यूथ क्लब कुछ भी करेगा, यूथ क्लब कुछ भी करेगा मशहूर होने के लिए, कैसा टॉपिक रख लिया है? अच्छा, दे डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वो वेरी पर्पस यही था कि आपकी अटेंशन गेन कर सके। अच्छा,
मौलवी हजरात के ऊपर एतराज किया जाता है कि भाई वो करंट इश्यूज पे बात नहीं करते, फलां इश्यूज के ऊपर बात नहीं करते, ये बात नहीं करते। अच्छा जब बात करना शुरू करते हैं, कुछ आपको समझाने की बात करना शुरू करते हैं, आप ही के तरीके से आपको बताने की शुरू करते हैं, तो बोलते हैं यार ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। अच्छा मकसद हमारा सिर्फ ये इश्यूज हाईलाइट करना नहीं होता, ये पोस्टर के ऊपर रखा ही सारा जाता है ताकि जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं, देखिए जो लोग समझ रखते हैं, दीनी फहम रखते हैं, देखिए वो तो ऑलरेडी माशाल्लाह उलमा से सीख रहे हैं, हम तो एक कॉमन मैसेज की तरफ एक एड्रेस करते हैं, तो हमारा इशू यही होता है कि देखिए उनको ये बात समझाने का एक तरीका रहे। हमने सोशल मीडिया पे देखा कि काफी लोगों ने एक इस केस को एक अलग रुख दे दिया, एक अलग टर्न दे दिया। वो क्या था कि इसकी आइज कितनी अच्छी हैं जो अक्यूज्ड कैमरॉन हेरन है और बेशवर क्राश कार जो उन्होंने एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे, इसकी जुल्फे कैसी हैं और इसके साथ तो बहुत जुल्म हो गया। एंड द मेन एम्फेसिस वाज, अब मैं ये बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला ये क्यूट नहीं था, क्यूट था, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज के हमारी कुछ बहनें, उम्र का भी नहीं पता लेकिन शायद इमेच्योरिटी की वजह से, देर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया पे भंबार पड़ी हुई है। तो ज़रीन क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि उसकी गुनाह को तो किसी ने सोचने की बात नहीं की, लोगों ने अपॉर्चुनिटी भी ढूंढी मशहूर होने के लिए, केस चल रहा था। दूसरा ये कि खूबसूरत है वो, आपको लगता है खूबसूरत है? वजी भाई मुझे खुद नहीं समझ आती, सोशल मीडिया में हम अगर चाहें, सोशल मीडिया की पहले तो हम पावर देखें, अगर हम चाहें तो एक गिल्टी बंदे को भी हम इनोसेंट प्रेजेंट करें, और अगर हम चाहें तो कोई इनोसेंट बंदा है उसे भी हम जो है थ्रू द पावर ऑफ सोशल मीडिया गिल्टी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में आई थिंक जिन लोगों के हाथ में ना वो आई गेस बहुत इमेच्योर लोग हैं, जो लॉस से आई गेस खूबसूरत लोगों पे प्लस लॉज अप्लाई नहीं होते, आप पे भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, आपने मुझे बोला, ठीक है, इसलिए काफी दफा बच चुका हूँ मैं चीजों से। अच्छा तला, आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को बताना चाहेंगे व्हाट द केस इज अबाउट। वजी भाई जितना केस के बारे में मैंने पढ़ा और चीजें देखी उसमें यही था कि दिस इंसिडेंट अकर्ड इन 2018 जिसमें द अक्यूज्ड वाज 18 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, और वो अब एक रेस में इन्वॉल्व था अपने किसी दोस्त के साथ, और जब वो रेस कर रहा था ऑन अ बिजी रोड तो वहां पे एक लेडी थी अलोंग विद हिज चाइल्ड जो स्ट्रॉलर लेके जा रही थी, तो वो जो उनकी गाड़ी है वो उनके स्ट्रॉलर पे उनकी लेडी पे हिट की, लेडी द डाइड, शी डाइड ऑन द स्पॉट, और जो बच्चा है ही वाज इन अ क्रिटिकल कंडीशन, जो इसके बाद में उसकी मौत हो गई। तो इसके बाद फिर मतलब केस दो मासूम जाने जाया हूं, टू इनोसेंट सोल्स दे वर किल्ड इन दैट इंसिडेंट। इसके बाद फिर ये बेसिकली केस चला, केस चलने के बाद ही वाज गिवन टू सेंटेंसेस, वन he was given 9 year sentence and then he was given a 15 year sentence basically 24 year sentence thi jo jiske baad isko reduce kar diya gaya tha on 15 on year, good behavior, on good agar behavior. Achha behavior dikhayenge to 15 saal ke upar ho jayegi, to basically ye ek short summary hai ki kya hua hai up till now. अब ये जो रीसेंट जो ट्रेंड्स चले जो हमने पाकिस्तान में भी देखे, यूएस में भी देखे, वहां बेसिकली ये बताया जा रहा है कि यार देखें यार ही इज अ ह्यूमन, इसने एक गलती ही तो कर ली, ही इज सो गुड लुकिंग, यार इतने अच्छे खूबसूरत दिखने वाले इंडिविजुअल को यार इतनी बड़ी सजा कैसे आप दे सकते हैं, यार ये तो 18 साल का लड़का है, एक 18 साल के लड़के को आप इसके ऊपर इतना जुल्म कर सकते हैं? तो जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि सिर्फ एक वन साइड ऑफ द स्टोरी, और इमोशंस भी सिर्फ वन साइड के साथ ही अटैच किए जा रहे हैं, उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा कि यार उस माँ का क्या हुआ, उस बच्चे का क्या हुआ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका जो हस्बैंड है जो पिछले 3 सालों से इस केस में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, यार मुझे जस्टिस मिले, उनको कौन जस्टिस देगा। एंड अनफॉर्चुनेटली देखिए सवाल ये है जिसकी वजह से ये टॉपिक रखा गया है, और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अनफॉर्चुनेटली टू दोज रिस्पेक्टेड लिसनर्स जो हम सुनते हैं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बड़े जजमेंटल एटीट्यूड होता है। देखिए कुछ इश्यूज को किसी वजह से हाईलाइट किया जाता है, और जाहिर सी बात है टॉपिक जब सामने रख दिया जाएगा बोलेंगे अच्छा ठीक है पोस्ट पे तो सारी चीजें, बट एनीवेज सवाल ये है कि ये हमारी सोसाइटी में ये केस इतना रेलेवेंट क्यों है? क्या आपकी सोसाइटी में आपके लोगों को जस्टिस प्रोवाइड की जा रही है? क्या आपके अपने कानून में और अपने कोर्ट सिस्टम्स में बड़े अदल के फैसले किए जाते हैं जो आप इतने समंदर पार यहाँ बैठे हुए रोना धोरा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हैं कि मुझे बंद कर दो,
ओह माय गॉड मुझे इसके साथ बंद कर दो, ये तक बातें आई हैं, ठीक है, और वगैरह वगैरह. अनफॉर्चुनेटली हम ज़हनी गुलामी का शिकार हैं. हमारे लिए सेलिब्रिटी गोरा मरता है, आंसू आएंगे, ठीक है, एक आपकी अफसोस हो सकता है, लेकिन अपने चार घर दूर एक पड़ोसी मर जाएगा, आप पूछने तक नहीं जाओगे. अनफॉर्चुनेटली यही एक इशू है कि आपके जहन में एक एहसास कमतरी है. आपके अपने लोगों को अनफेयर तरीके से किडनैप किया गया, यूएस के हवाले किया गया, आज तक वो छोड़े नहीं गए हैं, उनके साथ रेप हुए हैं, उनको उसी कैद में उनके साथ जुल्म हुआ है. आप लोग उसको जस्टिफाई कहते हो कि वो जुल्म करना सब ठीक है बिकॉज उनको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी लिंक से जोड़ के जस्टिफाई किया है. आपके अपने रंग और अपने मजहब और अपने स्किन कलर के लोगों की जाने बिल्कुल वैल्यू नहीं रहती हैं. आपके लिए एक गोरी चमड़ी का जिंदगी फौरन अहमियत रह जाती, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आखिरी जमाने में मुसलमानों की अहमियत भेड़ बकरियों से भी कम होगी. एंड यंगस्टर्स आर सो इन्वॉल्व इन जने. हाउ डज मीडिया प्ले अ रोल इन टू इट? वजी भाई, लास्ट शो में भी हमने इस पे काफी बात की थी कि मीडिया का बहुत क्रूशियल रोल होता है आपके परसेप्शन को डेवलप करने, हाउ यू सी थिंग्स. और सुभान अल्लाह, दे आर वर्किंग डे इन डे आउट इस परसेप्शन को बिल्ड करने में. हमेशा आप मूवीज में देखें, आप इवन बच्चों की एनिमेशन में देखें कि हीरो हमेशा खूबसूरत, टॉल, ब्लू आईज, थिंग्स लाइक दैट. और विलन हमेशा जो उसकी अपीयरेंस होगी अगली अगली, एज इन उसको आउट ऑफ शेप बना देते हैं, उसकी नाक फला तरीके से, आंखें फला तरीके से. तो ये एक बहुत क्रूशल वो रोल प्ले करता है, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें दिख रहे हैं अभी. आई एम श्योर अगर यही चीज किसी अफ्रीकन अमेरिकन या किसी और एथनिसिटी के बंदे ने की होती तो लोगों का रिएक्शन आई डोंट थिंक सेम होता. अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात एक चीज की, और मैंने बात में ये बात है, टॉपिक हमारे लिए एक एक्सक्यूज है, और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ. देखिए, हु सेट्स दी स्टैंडर्ड्स कि कौन ब्यूटीफुल है कौन ब्यूटीफुल नहीं है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तमाम मखलूक खूबसूरत है. और आपने ऑटोमेटिकली, मैं आपके सामने केस शेयर करता हूँ, ये 2014 का एक आर्टिकल है, एंड दिस वॉज रिटन बाय जेन किम. एक बेसिकली एक उन्होंने आर्टिकल लिखा था अबाउट एक केस आया था about a person who was whose name was Jeremy Meeks, 30 साल का था. उसका एक मगशॉट हुआ था. अब मगशॉट हुआ था, वो ब्लैकी बातें कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था. अच्छा, वो मगशॉट मशहूर हो गया, ये तो कैल्विन क्लाइन का मॉडल लग रहा है, यू नो, यू एंड लिटरली दैट गाय हैड, यू नो, लाइट ग्रीन आईज, और वो उसके उसका चिन भी ऐसी थी. नाउ दैट पर्सन एक्चुअली गेन 93,000 लाइक्स एंड 25,000 कमेंट्स अंडर आ गए. मतलब आप मुझे ये बात बताइए, and this is the kind of psychology we have. हमारी ज़हनियत और सोच ये है कि अगर इंसान खूबसूरत है तो उसके साथ एक sympathy attach हो जाती है, और अगर इंसान अगर अगली है, and this is basically research के judges जो emotional फैसला लेते हैं, they are bound to give severe punishment to non good looking people. कि जो good looking नहीं होगा उसको हो सकता है कि वो, they are more likely कि उसको ज़्यादा sex punishment दें, और जो खूबसूरत है उसको शायद कोई हल्की पनिशमेंट दे जाए. बिकॉज वजह यह है कि हम एसोसिएट करते हैं खूबसूरती इज इक्वल टू टैलेंट, इज इक्वल टू स्किल, एंड इज इक्वल टू लोगों का असल बेसिक रीजन है, दे डोंट रियलाइज कि ये जो कैमरॉन हेरन की, क्योंकि वो एक इतनी खूबसूरत शक्ल अकॉर्डिंग टू देम, व्हाटएवर इट इज, जाया हो रही है. खूबसूरती के साथ एक बहुत बड़ी चीज इन्वॉल्व होती है, वो होती है इनोसेंस. कोई भी खूबसूरत बंदा होगा यार, ही इज इनोसेंट. वो ये बात बोलते हैं कि देखिए अगर ये खूबसूरत है तो इनोसेंट होगा. एंड जैसे ज़ेरे ने बात की, आप वॉल्ट डिज़्नी के कार्टून्स देख लीजिए, हमेशा हमेशा स्टेप मदर को एक फैट और अजीब और अगली और क्रूल दिखाएंगे, सिबलिंग्स को जो स्टेप सिबलिंग्स हैं उनको अजीब तरह से दिखाएंगे, हमेशा बुरे कैरेक्टर को अगली दिखाएंगे और गुड कैरेक्टर वाले को खूबसूरत दिखाएंगे. एक बात ही बता रहा हूं कि लोगों के साथ, बच्चों के साथ एक टेस्ट हुआ कि उन्होंने काले, गोरे और डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों की तस्वीरें रखी, और बच्चों से पूछा, इवन अफ्रीकन बच्चों से पूछा
कि व्हाट हु इज द गुड वन. उन्होंने बोला कि गुड वन ये वाला है, गोरा वाला. उसने बोला कि अच्छा बैड वन कौन है, उसने बोला काला वाला बच्चा. काले बच्चे अफ्रीकन में, काले से मुराद अफ्रीकन ब्लैक अफ्रीकन बच्चे खुद कह रहे हैं कि ये वाला बच्चा जो है ये बैड है. बिकॉज यू हैव पोर्ट्रेट इविल पर्सन इज इक्वल्स टू डार्क स्किन. And this is the very idea that you know. So, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि animation sciences में एक पूरा subject है कि आप bad character को किस तरह बनाते हैं. तो उसके लिए even certain shapes defined होते हैं कि triangle अगर होगा, अगर बदसूरत शक्ल बनेगी, boxy shape बनाएंगे, या उसके चेहरे को ज्यादा चौड़ा कर दें, उसकी नाक को थोड़ी मोटी कर दें, तो ये आपके दिमाग में subconsciously एक bad character की image वो develop already कर चुके हैं. ब्यूटी की एक परसेप्शन वो ऑलरेडी हमारे दिमागों में वो डाल चुके हैं. सेकेंडली जो मॉडल की आप बात कर रहे थे, नॉट ओनली इज डू ही हैज 93,000 लाइक्स एंड सोशल मीडिया फॉलोअर्स, ही इज ऑफिशियल कैल्विन क्लाइन मॉडल. वो जो न्यूयॉर्क फैशन वीक होता है उस पर रैंप वॉक करता है एंड ही इज अ सेलिब्रिटी. तो इस तरह के लोगों को हम सेलिब्रिटी बनाते हैं. अगेन ब्यूटी, अच्छा आप, मेरा आपसे एक सवाल ये था जो मैं सवाल कर रहा था आपसे. ये सवाल आप इसलिए कर रहे थे कि मैं खूबसूरत हूं. साइकोलॉजिकली ये कैसे इफेक्ट करता है आपको? ऑब्वियसली खूबसूरती की एक वैल्यू होती है, तो क्या साइकोलॉजिकली ये क्या क्योंकि हमें इतना फीड कर दिया, तो अब हम साइकोलॉजिकली भी अगर हम किसी खूबसूरत बंदे को देखते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाते हैं ही इज इनोसेंट, ही इज गुड, उसकी नेचर भी अच्छी होगी और हम्बल भी होगा. तो इस बारे में अगर आप थोड़ी देखिए, बेस्ड ऑन साइकोलॉजी इज बेसिकली इसको एक टर्म दिया जाता है व्हिच इज द हैलो इफेक्ट. ठीक है, द हैलो इफेक्ट इज बेसिकली रीजन ये है कि आप ऑटोमेटिकली इक्वेट करते हैं कि गुड लुकिंग इंडिविजुअल इज इक्वल्स टू टैलेंटेड, अच्छा इनोसेंट, सही एंड यू नो स्किल्ड एंड मोर वैल्यूएबल, और इसकी वजह से आपकी सिंपैथी उनके साथ अटैच हो जाती है. ठीक है, यू टेंड टू टेल योर ब्रेन कि दे मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर केस जजमेंट, और उसको साथ जो बुराई एसोसिएट हुई है फॉर द रीजन बिकॉज दैट पर्सन इज गुड लुकिंग बिकॉज इट इज प्लीजिंग टू माई आई. नाउ मैं आपके सामने केस एग्जाम्पल देता हूं. हमारे पास आए दिन ऐसे सेलिब्रिटीज के केसेस आते हैं जहां पे उन्होंने किसी और के पर केस किया हुआ हो या उसके ऊपर कोई बात की, ऑटोमेटिकली लोग बिकॉज ऑफ देयर फेम, बिकॉज ऑफ देयर गुड लुक्स, उनका साइड लेना शुरू हो जाता है. बिकॉज इट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि आपका अपना बबल बर्स्ट होगा रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो ब्यूटी इज इक्वल्स टू हैविंग इनोसेंस, बीइंग इनोसेंट. तो उन्होंने बोला कि ना कि नहीं, जो काला बंदा होगा इसको ये गलती पे होगा. और यही वजह थी कि अभी रिसेंटली जब पुलिस के साथ एक केस हुआ जिसमें उन्होंने जजमेंटल होकर एक मोटे से ब्लैक इंडिविजुअल को अपने घुटने के नीचे किया हो गया, तो लोगों ने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग. रिगार्डलेस ऑफ दैट फैक्ट एक बंदे की जान चली गई, द पर्सन डाइड. तो आप जो है, चूंकि हर वक्त एक इवन अगर एशियन हिस्ट्री की अगर मूवी होगी तो हॉलीवुड गोरा आदमी लेके आएगा, जीसस क्राइस्ट को डिपिक्ट किया जाएगा, ऑल्दो ही वॉज बेसिकली फ्रॉम जेरूसलम. ठीक है, he was basically not, you know, a white skin individual, लेकिन blonde eyed, और इसकी history के पीछे जो है ना काफी Michelangelo की painting में सारी चीज़ involved है. They show God as a blue-eyed, blonde, white skin individual. Automatically आपके अंदर ये चीज subliminally डाली गई है कि देखिए we are like God according to Christian concept. तो उन्होंने Jesus Christ को भी वैसे ही दिखाया. आपको जब मैप दिखाते हैं अमेरिका का एज कंपेयर टू अफ्रीका इज ह्यूज, बट अमेरिका को किस तरह साइकोलॉजिकली आपको वो करने के लिए कि नहीं वी आर मोर पावरफुल बिकॉज वी हैव मोर एरिया इन वर्ल्ड. मैं तो बोलता रहूंगा, जारी बात है, खाली मेरे आप लोग भी इतना था. आप कुछ शेयर कीजिए. एक फॉलो अप क्वेश्चन, जैसे आपने बताया साइकोलॉजिकली ये चीज आपको अफेक्ट करती है और साइकोलॉजिकली आपके एक परसेप्शन बना हुआ होता है, तो जो लोग इस तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं तो टेक्निकली दे आर हेल्पलेस, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकली उनकी एक परसेप्शन ही ऐसी डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी कि वो एक खूबसूरत बंदे को देखकर एक ब्लू आइड इंडिविजुअल या एक बंदा हु इज टॉल, हु इज हैंडसम, उसको देखकर समझेंगे कि ही इज इनोसेंट. तो
तो फिर तो ये देखिए इसीलिए तो एजुकेट करना जरूरी है, इसीलिए तो लोगों के सामने शऊर को उजागर करना जरूरी है, बात करना जरूरी है। अगर किसी का थॉट प्रोसेस गलत है, देखिए हमारे पास लीडर्स को चूज किया जाएगा तो बोलेगा देखिए he's tall, dark and handsome and so he's more suitable to be a leader. भाई वो he's not walking on a ramp, model ramp पे नहीं चल रहा वो, उसको कुछ इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं। इसी तरह से अगर लीडरशिप के लिए चूज किया जाता है तो अपीयरेंस देख लिया जाता है, और ये क्राइटेरिया आपके लीडर्स ये सक्सेसफुल इंडिविजुअल के नहीं है। यस, देखिए मैं अभी से बात ही बात बोलता हूँ, हमें एक ब्यूटी का एक 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 इमेज डिटर्मिन किया गया है जिसकी बिना पर हम लोगों को ब्यूटी डिटर्मिन करते हैं कि उसका फिगर ऐसा होना चाहिए। इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं, कंटिन्यूसली आते हैं, तो आप बोलते हैं यार दिस इज द काइंड ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वी हैव, और अगर कोई उसके ऊपर नहीं बैठता तो आप बोलते हैं कि यार ये इतना कूल नहीं है, या ही इज नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड एंड हेंस इज इक्वल्स टू अगली। यू नो वी डोंट सी दैट, बट अगली आप ऑटोमेटिकली कह रहे होते हैं। तो आप हर वक्त अपने एक्टर्स एक्ट्रेसेस इनके साथ देखिए, मैं आपके पास एक सलमान खान की केस की बात करता हूं, जब उसका भी केस हुआ था ना, वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट, लेकिन लोगों ने साइड क्यों ली, केस पता ना हो, सब ज्यूरी हैं, सब जज हैं कि नहीं नहीं ये तो इनोसेंट ही होगा, जबकि कुछ है तो बल्कि। लेकिन बात ये थी कि जना कि आप होने से पहले वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चलो बात करें। तारा आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जैसे आपने सलमान खान की जो एग्जांपल दी, इसमें लोगों को ज्यादा फिक्र इसलिए इस वजह से थी कि यार ये तो हमारा सुपर हीरो है, कल को इसकी तो मूवीज आनी है, तो दे वर मोर इमोशनली अटैच्ड विद द सुपर हीरो कॉन्सेप्ट देन द पर्सन हु वाज अ विक्टिम ऑफ द एक्ट ऑफ सलमान खान। तो लोगों के इमोशंस ज्यादा इन्वॉल्व है अगर हम इस करंट केस को भी, करंट सिनेरियो को भी देखें। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि देखें कानून जो है वो इमोशंस की बुनियाद पर नहीं चलता। कानून के लिए एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ लॉज है, उन लॉज को फॉलो किया जाता है। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाता है मिसाल के तौर पर कि ये 18 साल का लड़का है, ही इज अ गुड लुकिंग गाय, और इसके माँ बाप की अगर आप देख रहे हैं बम्बार्ड किया जा रहा है, इसके माँ बाप मार रो रही है, इसका बाप रो रहा है, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाता है कि यार चलो इसने क्राइम कर दिया, इसको गलती माफी कर दो और इसको एक सेकंड चांस दो। तो इस जैसे जितने भी केसेस अभी करंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगे जो इसी तरह के लड़कों ने क्राइम्स कमिट किए होंगे, तो वो सारे क्या वो खड़े नहीं हो जाएंगे कि यार हमें भी जस्टिस दो, सही बात है, हमें भी फ्री कर दो। तो हम ये गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते। और बाय डिफॉल्ट लोग अगर कर दिया जाए तो लोग डिमांड करेंगे कि यार फिर इसके लिए भी है। फिर अच्छा हमारे पास शुरू भी हुआ इस तरह की चीज कि हमारे पास देखिए अल्लाह ताला जिसकी किस्मत में रखे, चाय वाला यार चाय वाला हो नहीं सकता, इसको चाय वाले से हो गया क्योंकि उसकी आंखें ऐसी हैं। देखिए चाय बनाने में या कोई काम करने में कोई तौहीन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स हुआ है जो अपने हाथ से कमाता है, मीनिंग कि लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, खुद अपनी मेहनत से कमाता है। तो हमने क्या शुरू कर दिया कि हमने इस बात बोली कि नहीं यार मतलब दिस इज समथिंग विच ही इज नॉट डिजर्विंग ऑफ। अगर कोई जैनिटर आपकी डेफिनेशन में तो बहुत से लोग बाहर के मुल्क में जैनिटर होंगे, आपने कैसे ये बात डिटरमिन कर लेते कि नहीं जी जस्ट बिकॉज समबडी इज अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स गुड लुकिंग तो उसको पास पैसा होना चाहिए। अगर उसने पैसा हासिल नहीं किया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और एक इंसान टैलेंट की बेसिस पर होगा, बेचारा डिजर्विंग होगा, लेकिन आप उसको नहीं देंगे बिकॉज वो आपके हिसाब से अपीयरेंस की वजह से उतरता नहीं है। आई थिंक ये बहुत अनफेयर बात है। ये वजी भाई ये अगर हम इसको कहें ना तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इमोशनल बायसनेस। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अभी रिसेंटली मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स में इन द ईयर 2020 अलोन देयर हैज बीन अ 13 ईयर रिकॉर्ड हाई फॉर डेथ्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रैफिक रिलेटेड इंसिडेंट्स। तो अगर आप इस एक बंदे की साइड ले रहे हैं तो आप जरा उन सारे लोगों की प्रोफाइल्स तो खोल के देखें जिन्होंने पिछले साल ये क्राइम्स कमिट किए थे। क्या आप उन सारे लोगों के लिए जस्टिस के लिए आप खड़े हो जाएंगे कि यार चलो ये 20 साल का लड़का है, ये 21 साल का लड़का है, ये 22 साल का लड़का है? किसी को भी उन सब लोगों के बारे में नहीं पता। एवरीवन ओनली नोज अबाउट दिस पर्सन क्योंकि सोशल मीडिया पे इसकी बात हो रही है। लोग हमारे यूथ के हैं वो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं। चलो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, मेरे सारे दोस्त इस ट्रेंड को ट्वीट कर रहे हैं, मैं भी ट्वीट कर रहा हूँ। अच्छा सर मेरे सारे दोस्त टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, मैं भी टिकटॉक पे वीडियोस बना रहा हूँ। सो यहाँ पे एक तो इमोशनल बायसनेस, दूसरा एक ट्रेंड को फॉलो करने का रीजन है, फॉलोइंग द हर्ट, फॉलोइंग द मेजॉरिटी। चेंज कभी भी मेजॉरिटी से नहीं आता, चेंज इज ऑलवेज। अगर आप रोजा पार्क्स को देख लीजिए, फ्रेडरिक डगलस को देख लीजिए जिन्होंने ब्लैक मूवमेंट को स्टार्ट की थी, उन्होंने आउट ऑफ द मेजॉरिटी एक स्टैंड लिया।
केस के बारे में जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके वापस बता चलता हूँ कि कैमरॉन हेरन जो बेशोर कार एक्सीडेंट में था, अपने फोर्ड मस्टैंग बहुत तेजी से चला रहे थे, दोस्तों के साथ रेस कर रहे थे, एंड बाय द टाइम जब उन्होंने 2018 में ये किया था ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड. अभी जब उनको ये बात को सजा दी गई है तो ही इज 21 ईयर्स ओल्ड. प्लीज, ही इज 21 ईयर्स ओल्ड. उनको 24 साल की सजा दी गई है और अगर गुड बिहेवियर पोर्ट्रे करेंगे, गुड बिहेवियर का मुजाहिरा करेंगे तो उनको 15 साल तक वो चीज की जा सकती है. लोगों ने बोला कि ये सजा बहुत ही हार्श है. मैं एक बात बोलता हूं कि वाकई में ये सजा हार्श है. क्यों हार्श है? देखिए, सबसे पहली बात, इस्लाम ने एक बहुत ब्यूटीफुल इसका सोल्यूशन दिया हुआ है. क्योंकि देखिए, अगर वो 18 साल का था या अंडर एज था, आर्ग्यूमेंट था, तो देन वाई ओनली द बॉय इज बीइंग पनिश्ड? इवन इफ ही वाज 21, गाड़ी किसने दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? दो जाने जो गई उसकी क्या वैल्यू थी? क्या आपके 24 साल 15 साल सजा देने से क्या उन दो जानों की वैल्यू का की अहमियत आ जाती है? इस्लाम का मकसद जान को महफूज रखना है. इसीलिए इस्लाम ने एक सोल्यूशन दिया है दियत का. दियत क्या है कि अगर आपसे गलती से किसी की जान चली गई है, आपको 100 ऊंटों की कीमत अदा करी जाएगी, जो कि एक एक्सपेंसिव अमाउंट ऑफ आपको रखा जाता है. अगर आप वो नहीं दे सकते तो फिर आपको और आपके भी पे सॉरी बात है, आपके जो फादर साइड है वो लोग इसको अदा करेंगे. क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बोझ आएगा, तो पूरी कम्युनिटी फिर जान को अहमियत देगी. बात पैसा नहीं है. कभी कभार कुछ फुकहा ने ये तक कहा है कि जब एक इंसान बहुत इजीली कोई चीज अफोर्ड करता है ना, तो फिर उसको जो है ना वो प्राइस देने की बात नहीं कही जाएगी, बिकॉज वो किसी की जान को भी मार के प्राइस दे के अपनी जान छुड़ा लेगा. काजी बड़ी समझदारी से इस बारे में फैसला करता है कि इस्लामिकली आपने ठीक है जानबूझ के नहीं किया, आपसे गलती हुई है, बट एक जान की अहमियत है. तो आपके फादर की साइड वाले अगर आप नहीं हो, कम्युनिटी के ऊपर फिर वो बोझ आता है. अगर आप नहीं दे पाते किसी तरह से, वो नहीं हो चीज थी, तो फिर आपने 2 consecutive months उसके ऊपर जो रोजा रखना. अगर वो बंदा नहीं रख सका तो जाहिर बात है फिर वो चीज आगे डिटेल है. बट द पॉइंट इज के अल्लाह सुबहाना ताला ने अगर कोई सॉल्यूशंस दिए, उसकी कोई वजह है. ठीक है, गैर मुस्लिम थे, बट इस्लाम आया सबके लिए. आप उस चीज को देखिए कि देखिए आपके 24 साल या 15 साल देने से, एक तो ये कि उसके साथ एक गलत एक अलग डायरेक्शन चला गया, क्योंकि उसको भी यूटिलाइज करना है, उसको भी सोसाइटी में एक एक ह्यूमन रिसोर्स के एलिमेंट में इस्तेमाल करना है. देखिए, जिना की अगर इस्लाम में सजा है तो उसको अगर लाशेज हुए उसके बाद वो गए, ठीक है. अगर आपको हाथ काट दिया गया चोरी पे, देन आप पब्लिकली आपको वो हो गई, देयर हैज टू बी अ प्राइस. लेकिन आप जब इंसानी सोच की बिना पर आते हैं, और यहां पे देखिए हम बात ही करते हैं उन लिबरल से, वन्नबी लिबरल से, ये है वेस्ट हमारी है. इस्लाम ने जो चीज दी है वो खुदा की तरफ से. इंसान हमेशा अपने लिहाज से जो चीज करेगा उसके अंदर फॉल्ट होगी. तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं हाईलाइट करूंगा. ज़रीन, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल मेरा है. आप फिर सवाल करेंगे 5 मिनट दूंगा फिर मैं. ठीक है, आपने इंशाल्लाह. इस्लाम में सूरह अल माईदा में वो आयत आती है, उसके मैं मफहूम अर्ज कर दूं. एन आई फॉर एन आई, अ नोज़ फॉर अ नोज़, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो फोर्थ. तो इसकी क्या वो है? आपने तो एक वो मेंशन कर दिया कि आप दियत देंगे, लेकिन If for some reason, जैसे ये भी कुरान की आयत है, तो इसकी क्या? देखिए, वो तो किसास की आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर जानबूझ के मारा है, जानबूझ के मारा है, तो फिर देन दियत नहीं आपकी, फिर वो उसकी लाइफ ली जाएगी. फिर वो फैमिली पे है कि बोले कि लाइफ नहीं चाहिए, हमें दियत चाहिए. ठीक है, लेकिन आई फॉर एन आई ये कि जान के बदले जान होगी. वो है कि जानबूझ के मारा गया और वो चीज आ गई. गलती से जब मारा गया, दैट पर्सन डिड नॉट इंटेंड टू. अब आप गाड़ी चला रहे थे, सामने कोई बकरी आ गई, आपने गाड़ी बचाने के लिए साइड में की, आपकी गाड़ी ऑफ रोड चले गई और आप किसी झोपड़ी के ऊपर आपकी गाड़ी जाके कूद गई और किसी की जान चली गई. अब आपने इंटेंशन नहीं किया था, लेकिन इस्लाम का पूरा जो मकासद शरिया में है, जान को की वैल्यू रखना, जान को महफूज रखना उसकी, ताकि कोई भी कम्युनिटी में किसी की भी जान को लेस वैल्यू ना समझे, चाहे वो अमीर था, गरीब था, जो भी था, हर किसी की जान को अहमियत दी जाएगी. और ये आपके रब की तरफ से आया है. तो आप जब शोर मचा रहे हैं ना, तो ये आपको समझ में नहीं आता. यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा भी केस किया कि मारा किसी को जानबूझकर और अपना पावर इस्तेमाल करके बोला दियत कबूल करो और चले. जी भाई, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई है. वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक डेली लाइफ में हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट लेसन हमें दिया गया कि जब भी तुम्हें कोई खबर पहुंचाई जाए तो पहले उसकी तहकीक करो, फिर उसको आगे पहुंचाओ.
तो मेरा ये सवाल उन लोगों से है जो ये ट्रेंड्स चला रहे हैं या जो टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअली इस सारे इंसिडेंट की रिसर्च की? डू दे इवन नो द टू साइड्स ऑफ द स्टोरी और दे ओनली नो द वन साइड ऑफ द स्टोरी? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी को ना करें, अपनी रिसर्च करें. कुरान में भी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, अगर आप कोई गलत खबर आपके पास आ रही है, किसी गलत बंदे का आप साथ दे रहे हैं, तो आप भी उस गुनाह में शामिल हो. एंड आई गेस कि यही इस्लाम का सूरह हुजरात की आपने आयत की, वाइन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबयन, कि जब तुम्हारे पास कोई झूठा अगर कोई खबर लेके आए, अब तो आप उसको तहकीक कर लो. ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर रिएक्ट करो, बाद में नदामत का शिकार हो. बात यहाँ पे ये है कि आपके पास असल में लोग मालूम करना नहीं चाहते. हम जिस एरा में रह रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट, मैं बोलना नहीं चाह रहा, पाड़ी हो रही है मशहूर, फिर उसके बाद मशहूर करने के बाद बोलेंगे आ जाइए इजलास में बैठ जाइए, उलमा के साथ बैठ के इस्लाम के ऊपर कुछ बातें कर दीजिए कि क्या होना चाहिए, यंग एज का गुजर रही है. प्लीज अल्लाह के बंदे बनिए. आप लोग जब ये इक्वेट करते हैं ना कि दिखना और सो एंड सो पॉपुलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं स्मार्टनेस और वैलिडिटी इन देयर ओपिनियन, तो फिर आप किसी को भी उठा के ले आएंगे. अभी रिसेंटली एक मामला हुआ और मैं ये वापस, मैंने लास्ट टाइम कहा था, कट गया था, मैं वापस आके ये बात बोल रहा हूँ. आप लोग को पता होगा लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि नाम मैं लेके डायरेक्ट, क्योंकि मेरा मकसद नाम नहीं है. एक भाव बहुत बड़े आपके जो ब्लॉगर हैं, वो बैठ के इंग्लैंड में बैठ के बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो देखो कितना आराम से है, यहाँ पे रेडी वाला नहीं मिलता, कोई चोर मचाने वाला नहीं होता, आराम से बैठ के चाय का कप पियो वगैरह वगैरह, लंदन में बैठ के बात कर रहे हैं. मतलब आपकी एहसास-ए-कमतरी का वो सलाम है, बाकी में सलाम है. आप हिस्ट्री भूल गए, 300 साल इन गोरों ने आपको लूटा है, आपके खजानों को लूटा है, आपके लोगों को यूज किया है. आप वहां बैठकर उनके 300 साल आपके खजानों को, कहा जाता कि आजकल एक मीम चल रही है ना कि ब्रिटेन के लोगों ने इजिप्ट के पिरामिड्स और फलां क्यों नहीं उठाए, क्योंकि वो भारी थे, वरना वो भी उठा के ले जाते. कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने. जाइए लाहौर की बादशाह मौसम में, सारे हीरे निकाल के चले गए कोहिनूर. आप वहां जाके आज बोल रहे हो, देखिए इसमें हमारा भी कसूर है कि मुसलमान मुल्क आगे नहीं गए, लेकिन कॉलोनियलिज्म ने आपको जो निचोड़ा है, आपके ह्यूमन रिसोर्स को जो इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से आपके हालात ही हैं. आपको ऐसा फ्यूडल सिस्टम दिया है जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बोलते हुए अपनी सोसाइटी, अपनी पार्टी में खुद कोई डेमोक्रेसी नहीं रखते. तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं कि आप वहां जाके जो है बहुत ही जो है आराम से जिंदगी गुजारते हैं? ये तो वही बात होगी, मेरा पड़ोसी पूरे वक्त अपने बच्चे को पालता हो, मैंने 4 दिन उसको प्यार से अपने पास रखा और उसको जाके उसके घर का सामान लूट लूट के अपने घर में ले आया, और वो बाकी बच्चा आके उसका बेटा बोलता है कि अम्मा वहां मजा आता है क्योंकि वहां बहुत आरामदेह, आपके पास तो कुछ नहीं है. तो प्लीज थोड़ा अकल पकड़िए और इन लोगों के ओपिनियन को जो ना दीन में स्ट्रांग है और ना इनका कहते हैं कि रिलीजियस नॉलेज की बेसिस है, तो फिर आपको एहसास कमतरी देंगे. और ये एहसास कमतरी है जिसकी वजह से आप बोलते हो कि जना कि वो खूबसूरत है, ओ माय गॉड मेरी जान ले लो उसको, कर दो. बताओ यार, थोड़ा शर्म आनी चाहिए वाले बात नहीं कहेंगे. और यहाँ पे जो लोग वेस्ट को इतना फॉलो करते हैं, उनको कम से कम ये रियलिटी तो पता जाए, वो एक गूगल पे सर्च ही कर लें कि यार लास्ट ईयर्स हाउ मेनी केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंसेस हैपेंड देयर इन यूएस, हाउ मेनी केसेस ऑफ नाइफ अटैक्स हैपेंड इन इंग्लैंड, कितने रेप केसेस वहां पे रिकॉर्ड किए जाते हैं. ये चीजें तो कभी उनके मीडिया में पोर्ट्रे ही नहीं किया जाता. और एक और चीज अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी थी कि जो एसिड रिलेटेड केसेस हैं स्पेशली यूरोप में, दे एक्सीड द नंबर ऑफ एसिड रिलेटेड केसेस इन पाकिस्तान. लेकिन के हमारे यहाँ एक खातून थी जिनको एक अवार्ड दिया गया था, और फिर उन्होंने आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था. सारा तो आपके मुल्क में होता है ना, सारा तो आपके मुल्क में होता है, नहीं होता. बड़े लोग ही हम हैं. कोई थी ना कि एक किस्सा था ना कि वो गए कि ओ माय गॉड आई मीन आई एम सॉरी, मैं जरा थोड़ा सा आज जरा अजीब से मूड में हूँ जरा, तो वो अमेरिका गए, उन्होंने बोला कि माय गॉड मैं इतने रोशन वाले शहर में आया हूँ. तो उन्होंने बोला कि अरे चलते से उनको पाँव लगा, उन्होंने बोला ये क्या है, उसने कुछ ग्लूई ग्लूई से कोई चीज़ है, उन्होंने क्या है ये, उसने बोला एक थोड़ा सा मुझे शायद हो सकता है कोई गाय वाय का कोई गू हो गया, उस नहीं ऐसे कैसे हो सकता यार अमेरिका है. तो बोला अमेरिका है, अच्छा देखिए चेक कर लेता हूँ, हाथ लगाया फील तो वैसे ही हो रहा है. नहीं नहीं यार कैसे हो सकता है यार अमेरिका है, अमेरिका में ऐसा होता है, शरिया ऐसा होता है अमेरिका में, नहीं हो सकता ना. तो बोले कि अच्छा ठीक है टेस्ट करके देता हूँ. तो टेस्ट करके तो शायद जिंदगी में उन्होंने टेस्ट किया हो, तो उन्होंने कहा हाँ टेस्ट भी वैसे ही है, शुगर मैंने पाव नहीं, मतलब मैं पूरा पाव नहीं रखा इसके ऊपर, उन्होंने बात बोली. तो यार ये आपकी जहनीत, अभी रिसेंटली जो इंग्लैंड में फुटबॉल में तोड़फोड़ हुई, किसी ने कोई एक ग्रुप में रख दिया, क्लोज ग्रुप में, नीचे बोला हमारे पास तो और गंदे लोग हैं, लोगों को मार देते हैं.
मैंने बोला क्या इन लोगों ने मारा नहीं था क्या आपके जो स्कल्स को वो किया था क्या वहां पे नहीं किया था हिजाब को अटैक किया था फुटबॉल की जब इंग्लैंड हारता है डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस बढ़ जाते हैं मतलब आप किस दुनिया में रह रहे हो मतलब आप क्या वो जो लड़की की वीडियो है जो कितने घंटों न्यूयॉर्क में चली और उसको पीछे से कैट कॉल किया गया तो जब मैं अब कुछ अपने दोस्तों के साथ बात करता नहीं देखी वहां पे तो बिकिनी में जाओ कोई देखता ही नहीं है भाई वहां पे सब बिकिनी में होते हैं वहां पे अगर ऐसी बात हो स्ट्रिप क्लब्स क्यों वहां पे चल रहे हैं वहां पे क्यों इस तरह की रेप केसेस चल रहे हैं तो दो मिनट के लिए लाइट जाती है कितने लोगों का रेप हो जाता है तो ठीक है हमारे पास इश्यूज हैं लेकिन प्लीज ऐसा नहीं कीजिए कि हम इतने गंदे हमसे ज्यादा कोई गंदा हो ही नहीं सकता बिकॉज आपने उनको अपना डैडी मान लिया है और आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है आई एम सॉरी थोड़ा जरा नहीं इसी पे मैं एक पॉइंट ऐड करता चाहूं नहीं है नहीं ठीक है वो भी ना तो क्या करूं वजी भाई ये वाइट सुप्रीमेसी जो है ना स्पेशली ये जो हम हमारे अपने ब्राउन्स एंड मैक्सिकन्स और बाकी जो एथनिसिटी के लोग हैं इनमें एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है फॉर सम रीजन एसिड अटैक पे डॉक्यूमेंट्री किसी गोरे ने तो नहीं बनाई हमारे ही पाकिस्तानी ने बनाई वीडियो जो जाके बनाते हैं कोई गोरा तो नहीं बनाता तो इसका क्या मतलब आई गेस उन्होंने आपको इतना साइकोलॉजिकली अपने अंडर कर दिया है ना कि आप इवन यू बीइंग अ ब्राउन मी बीइंग अ ब्राउन बंदा मैं उसको सुपीरियर समझता हूँ कि यार गोरा अगर कोई चीज करेगा अगर गोरा मेरी फील्ड में कोई चीज करेगा तो वो तो एक्सपर्ट है क्योंकि उसकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं लेकिन अगर कोई ब्राउन बंदा करेगा या कोई और बंदा करेगा वो चीज तो नहीं यार उस लेवल पे नहीं उसका तो, छोटा साइज है उसका सिर्फ छोटे से अल्फाज में कहता हूँ कि अब्बू अब्बू देखिए मेरा घर कितना गंदा है तो वो बोलते हैं कि वाकई में उन्होंने बोला कि वाकई में इस बात को कहने पर तो आपको मैं ऑस्कर दूंगा तो आप बोलते हैं यार मैंने बताया था ना मैंने बताया था मेरा यहाँ से भी कपड़ा फटा हुआ यहाँ से भी कपड़ा फटा हुआ पूरे मोहल्ले में शोर करके बताऊंगा कि ये हुआ हुआ था और अपने घर में दुरुस्त नहीं करूंगा आपके पास मुझे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कितने ऐसे केसेस को और ऐसा हुआ भी है कि कुछ लोगों ने अपने केसेस को लेके गए उन्होंने पूरी मूवी बना ली उसके बाद पूछा भी नहीं उनको अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए इस्तेमाल कर लिया इवन माई कजन जिन्होंने जेनिफर लोपेज के साथ मूवी में काम किया है उन्होंने भी आके डॉक्यूमेंट्री बनाई थी आके ठीक है वो आई थी डॉक्यूमेंट्री इस्तेमाल हुई पाकिस्तान की वो की उन्होंने बड़े उसको अलग तरीके से दिखाया आपके पास जो इन्होंने काम किया उन्होंने अपना ऑस्कर वगैरह लेके तो खुदाफिज़ बाय बाय अब उनका क्या काम होता है कोई रिलीजियस इशू हो उसके ऊपर बात करनी क्योंकि मौलवी को गाली देने के लिए मामला था ना तो इस्लाम को तो नहीं डायरेक्टली कुछ कह सकते तो उन्होंने कहना है तो इस्लाम के रिप्रेजेंट हो यस हमारे पास लोगों का इशू है बट आप जनरलाइज नहीं करोगे वी नीड टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेक योर ओन आइडेंटिटी अपने घर को रिकग्नाइज करो इश्यूज हैं और दुरुस्त करने की कोशिश करो सिर्फ शोर मचाते रहोगे मेरे घर के ये मसले ये मेरे घर के मसले साथ में तुम लगे हुए हो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में अपने मुल्क को बेहतर बनाने में लगे हुए हो लेकिन बाहर जाके सोशल मीडिया पे हर वक्त शोर करते हो शोर ही मचाते हो कि लीडर करप्ट है सिग्नल तोड़ने में तुमने कोई पीछा नहीं रहना पाकिस्तान सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा रिलीजियस टीचिंग पढ़ाई जाती है करप्शन में 127 नंबर पे देयर मस्ट बी समथिंग दैट वी मिसिंग कुछ तो मिस कर रहे हैं हम वो कौम जिसका जो नबी था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जाना जाता सादिक अलमीन से ठीक है जहां पे उनका दीन पढ़ाया जा रहा है यस देयर आर इश्यूज एंड दैट इज व्हाई हम छोटी सी बात करते हैं कि आपने अपने इस दरिया में जो है ना एक कतरा आपने अपना एक कंट्रीब्यूट करना है कीजिए ताकि अल्लाह ताला को जाओ सिर्फ शिकायत करने से आपको मामला नहीं लेगा बिकॉज मेरे सामने मेरे भाई बैठे हैं यंगस्टर्स हैं मेरी इनसे उम्मीदें हैं ठीक है व्हाट एक्सपेक्टेशन डू आई हैव दैट वी आर रेजिंग अ वॉइस वी आर रेजिंग एन इश्यू यस हमें बहुत से जजमेंटल लोग मिलते हैं बाइक चलाते हो ब्रांड कपड़े पहनते हो तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह कशकोल हाथ में लेके आ जाएंगे बोलेंगे यार हमारे इश्यूज को आप वो नहीं करते आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे यंगस्टर्स मिले हैं जो आपको दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी ज़बान में बात कर रहे हैं नहीं हमें असल में बंधा तोड़ना आता है जुड़ना नहीं आता जी भाई यहाँ भी जैसा अभी आपने कहा ना कि वी नीड टू मेक आवर ओन आइडेंटिटी बट अभी क्या हो रहा है रादर देन मेकिंग आवर ओन आइडेंटिटी व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग द आइडेंटिटी हम आइडेंटिटी वेस्ट से यूरोप से ले रहे हैं किस तरह से ले रहे हैं वो हम अपने बचपन से कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रामास इन द फॉर्म ऑफ फिल्म्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक
तो हमारी आइडेंटिटी हमें जो इस्लाम ने दी है, हमारे अपने जो माशरे ने दिए, उसको लेने के बजाय हम वेस्ट से उसको इम्पोर्ट करते हैं. उससे होता क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम शिकार होते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस का. True. हमें पता ही नहीं है कि हम हैं कौन, जिसको साइकोलॉजिकली बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि आप कॉन्स्टेंटली आप दो एक साइकोलॉजिकली फेजेस में होते हो या आइडियोलॉजीज में होते हो कि यार मैं इस आइडियोलॉजी या इस इमेज को फॉलो करूं या मैं इस आइडियोलॉजी या इस इमेज को फॉलो. और उससे होता क्या है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी कंफ्यूज स्टेट में रहता है और फिर उसको जो चीज फीड की जाती है वो उसको बोलता है भाई बिस्मिल्लाह, चलो भाई ये चीज सही है, मैं इस चीज को फॉलो करूंगा. ज़रीन जी, क्या हम कॉलर्स को अपने शो में ले लें? बिल्कुल बिल्कुल. तो शहरयार भाई, वक्त आ गया है आपको परेशान करने का, और पोस्ट की दीजिए. मैं इनफैक्ट मैं पोस्ट कर देता हूँ. नाज़रीन ख़वातीन, प्लीज़ हमारे शो में आइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, अपने दिल की भड़ास निकालिए. चैट पे मैंने अपना शो में शामिल होने का लिंक रख दिया है. हम इंशाल्लाह ताला आपकी कॉल्स रिसीव करते हैं. मेरी वापस से रिक्वेस्ट ये सिस्टर से है कि अपना कैमरा ऑफ रखिएगा, और जो ब्रदर्स हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी बात को जो है ना टू द पॉइंट करें, और आपके व्यू को रिस्पेक्ट किया जाएगा रिगार्डलेस. अगर आप हमसे डिसएग्री करते हैं, आपका कोई सवाल है आप पूछिए, और अपनी बात को एक मिनट तक रखिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां से मुझे शहरयार भाई इशारा करते हैं कि हम फिर कट कर देंगे, बिकॉज देन लोगों का जो है चांस नहीं मिलता. तो वी डोंट हैव टू मेक इट एनी यू नो, हमें बात लंबी नहीं करनी, क्योंकि जारी सी बात है, वी आर टेकिंग योर कॉल्स टू बी एबल टू टेक योर व्यूज. जी ज़रीन जी, मीडिया के हिसाब से बात करते हैं. एनिमेशंस, हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, गुड फिगर, गुड बॉडी, गुड लुक्स, गुड एटीट्यूड, गुड एवरीथिंग इज इक्वल टू सक्सेस. इसमें एक मुनाफिकत भी, अभी रिसेंट केस में आपको बताता हूँ, एक मुनाफिकत का बहुत बड़ा केस है. फेयर एंड लवली ब्रांड आपको पता होगा, पूरी जिंदगी इन्होंने हमें क्या दिखाया कि भाई आप ये क्रीम लगाएंगे तो आपकी गोरी चमड़ी हो जाएगी. बट रिसेंटली आफ्टर द ब्लैक लाइव्स मैटर इंसिडेंट, दे क्विकली स्विच टू फ्रॉम फेयर एंड लवली टू ग्लो एंड लवली. अब उनकी एड्स में आप देखेंगे तो आप गोरे लोगों के साथ थोड़े आपको फेयर स्किन लोन, आपको ब्राउन टोन वाले लोग भी दिखाई जाते हैं. अब हमारे वही सेलिब्रिटीज, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो आज से पहले इन्हीं एड्स में, फेयर एंड लवली के एड्स में उनकी स्किन ग्लो करती हुई दिखाई जाती थी, व्हाइट स्किन दिखाई जाती थी, अब वही स्किन थोड़ी डार्क स्किन भी दिखाई जा रही है. देखें ये भी एक स्किन कलर होता है, ये भी एक स्किन कलर होता है. तो क्यों सेलिब्रिटीज को देख के ही हमारे दिमाग में एक शऊर आता है कि भाई जो सेलिब्रिटी जब चाहेगा, जो जिस स्टांस को, जिस आइडियोलॉजी को वो प्रमोट करेगा, हम वही आइडियोलॉजी प्रमोट करेंगे. हम अपना दिमाग कब इस्तेमाल करें, और वी एज ह्यूमंस हम इमोशनल ज्यादा होते हैं लॉजिकल उस पे. तो तला मैं सवाल यही कि जना कि आप आईपी में जाने से पहले, जॉब वर्क करने से पहले, कि आपको कॉन्फिडेंस है कि गोरी वजह से, गोरी स्किन की वजह से आपको जॉब मिल जाएगी? कैसे नहीं था कि आपने बोला कि आप फुल फेयर एंड लवली लगा के गए और आपने बोला मेरी सीवी है, सीवी पे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, आप हायर्ड हैं. ऐसा होता है कार, कार, वैसे वजह में काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता. हमने खुद एमयूएन के लिए, मेरे कुछ दोस्त थे, हमने एड बनाना था ज़ारा का, और जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि एक बंदा जा रहा है जॉब इंटरव्यू पे और उसका टैलेंट उसके पास कुछ नहीं, उसकी सीवी देखते हैं और कहते हैं सॉरी वी कांट हायर यू. अब ये हमें इसकी स्क्रिप्ट मिली है और वो जैसे ही उठता है उसकी टाई को वो टच करता है ज़ारा, वो कहता है यस यू आर हायर. सुभान अल्लाह, लॉजिक गई तेले ने. आप जो है ना ज़ारा की टाई पहनो, आप सबसे टैलेंटेड हो, आप हायर होगी हर जगह. और होपफुली वो किसी नासा के उसमें के लिए अप्लाई ना कर रहा हो या किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए कर रहा हो, तो पूरी बिल्डिंग गिर गई, पूरा जो है गाड़ी खराब हो गई, क्या वो ये टाई 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 ओके फाइन. लास्ट सेशन में हमने शेरयार को भी इसलिए रखा था, टाई अच्छी पहन के आया था. चलिए जी, हम अपना पहली कॉल ले लेते हैं. वी हैव सिस्टर सैरिश विद अस, तो प्लीज शहरयार भाई सिस्टर सैरिश को लीजिए, चलेंगे. चलिए रिजवान खान हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान खान को कॉल पे लीजिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम जी. रिजवान भाई क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं कनाडा में होता हूँ, बट बेसिकली मैं कराची से हूँ. जी जी. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ भी बहुत कॉमन है, खास तौर पे
बीच में बड़ा चला था कि डाउरी नहीं लेनी और शादी में, और लेकिन हमारे रेसिज्म यहाँ पर भी जब आगे खुलता है कि जब हमें अपने लाइफ पार्टनर चूज करना होता है कि वो ऐसी नहीं वैसी नहीं, और फिर पूरा टेम्बर जो है वो जब देखने जाता है लड़की को तो फिर वो जज कर देंगे नहीं ये ऐसा नहीं था वो वैसी नहीं है छोटी है मोटी है, मतलब देखने में डायना हो और काम करने में मासी मुसीबती। हाँ ऐसा मेरा बस यही था। ठीक है, अच्छा जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। रिजवान भाई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि वो फिगर उनका ऐसा हो 36-24-36 हो, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये बात बोली जाती है, और रोटी गोल हो, और यू नो वी हैव सच हिपोक्रिटिकल स्टैंडर्ड्स। एंड लड़कों के मामले में भी ये बात है कि उम्र में छोटा हो, घर में कोई बहने ना हो, ओनली बच्चा हो और 6-figure salary कमाता हो, होगा वो शायद 26-27 साल का, अब वो उसको सारी जिंदगी इस इकोनॉमी में लगे, तो वी हैव सेट वेरी हिपोक्रिटिकल स्टैंडर्ड्स। प्लीज इन चीज़ों से बाहर निकलिए। ये जो लोग उम्रें गुजार चुके हैं ना उनसे जाके पूछिए कि ये जिंदगी में खुशी रहने के मामले नहीं है। आज जो आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है, प्लीजिंग टू द आई लग रहा है, लग रही है, कल को जब आपको उसी एटीट्यूड और नार्सिसिस्टिक और वो बोलेंगे कि जिन्हें कि भाई मुझे दवाई ला दो और वो सेल्फीज ले रहे होंगे, तो फिर आप बोलोगे कि ये क्या हो रहा है। वो जो सिक्स पैक वाला बंदा जो आप कह रहे थे, बोल रहे कि बच्चे के डायपर खत्म हो गए, वेट मैं अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको जो पता चलेगा। मैंने कह रहा कि डेफिनेटली इक्विवेलेंट वही होगा कि ऐसा एटीट्यूड होगा, बट आप ये वैल्यूज नहीं देखी, इंसान के एसेंस को हमने देखना बंद कर दिया है, हम इंसान को खाली उसके अपीयरेंस पे देख रहे हैं, और इसकी वजह से। तला भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? वजी भाई आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारे स्टैंडर्ड्स जो है ना वो डिफाइंड नहीं है, हमारी वैल्यूज डिफाइंड नहीं है। जैसे जरीन ने ये बात बोली थी कि हमारी मीडिया हमारी पर्सनैलिटी शेप करती है, हमारी वैल्यूज हमारी मीडिया शेप करती है, हमारी आइडियोलॉजीज मीडिया शेप करती है। तो हमें मेरी तो यही एडवाइस है ऑडियंस को कि देखें रादर देन हियरिंग, एक तो वैसे भी ये इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट की एज है, तो आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन यहाँ से भी ले लें, कुछ अपने मेंटर्स रखें, कुछ अपने टीचर्स रखें, कुछ उस्ताद रखें, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने क्लोज रिलेटिव्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें और उनसे मशवरा लें, और उनसे सबसे पहले तो ये अपनी जो पिछली जनरेशन के लोग हैं उनसे एडवाइस लें कि यार उनकी जनरेशन में क्या मसले मसाइल थे और हमारी आज की जनरेशन में ये मसले मसाइल हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत से लोग इस चीज से गुजर चुके हैं और किस तरह से वो उस फेस से निकले। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि आप मेंटोरशिप हासिल करें। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक और इशू के ऊपर यहाँ पे रेज करना चाहूंगा, मेरे दिमाग में भी बात आई कि देखिए अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम इसको पहले बात कर चुके हैं, जब आपके फलस्तीन के भाइयों और बहनों को, कश्मीर के भाइयों और बहनों के ऊपर जुल्म किया जाता है और आपके मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों का खून बहाया जाता है, आप चुप करके बैठे रहते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आपको तकलीफ तब होती है जब ये सोशल मीडिया पर गोरी स्किन या ग्रीन आईज या ब्लू आईज या ओवल शेप या राउंड शेप या स्क्वायर शेप वट एवर जो आपके वो हैं, या उसके जुल्फे ऐसी हैं या वो लड़की ऐसी है, जब इनकी जाने जाती हैं सेलिब्रिटी और हॉलीवुड, ओ माय गॉड आई नॉस्टैल्जिया उनकी मूवी देख के, मुझे वो ऐसा लग रहा था मेरे बराबर के ही बिस्तर पे सो रहे थे, इस तरह की बातें आप लोग करते हैं, तो आप लोगों को उनकी जानों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है लेकिन अपने भाइयों और मुसलमान की नहीं। देख ईमान की निशानी ये है कि आपको आपके मुसलमान भाइयों की तकलीफ़ों का एहसास हो, आपको सारे सबका एहसास है, आपको 50 लोग मार दिए जाएँ, आपके मुल्क में गरीब आदमी बिजली के करंट से लग के मर जाए, आपको कुछ तकलीफ नहीं होती, वो होतो पोतो पर करके स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन वो जो तस्वीर होती है जिसका ट्रेंड चल रहा होता है ना कि सब मास्क लगा के वो आंख यूं कर रहे हैं, उसी की कैमरॉन की वो कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ, बिकॉज यू वांट दैट वैलिडिटी, और इसीलिए आप उन्हीं की चीज को कहते हैं, जो कल्चर चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है उसी को आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जरीन आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी वजी भाई, मैं आपके उसी पॉइंट पे, वो जो आपने बात की थी कि एक परसेप्शन डेवलप हो जाती है, फिर हम देख रहे होते हैं कि जिम सिक्स पैक्स हो लड़के पे, लड़के में, और लड़कियों के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि वो बालों का कलर सुनहरा, आंखें पता नहीं किस कलर की एंड व्हाट नॉट। अच्छे से सवाल मुझे याद है कि आप नहीं कैसा आप कैसा हम सफर पसंद, मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। चलिए हम एक और कॉलर को ले लेते हैं, सिस्टर सैरिश, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहु। सिस्टर सैरिश चाहे तो यही मौका है जिंदगी का, आप बोल सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु। जी सिस्टर सैरिश, यही वो मौका है जहां पे आपने कुछ बोलना है।
क्योंकि कुछ सेकंड बाद डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा शहरयार भाई की तरफ से। जी सिस्टर सैरिश, परेशान ना हो, हम कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से बात कर सकती हैं। नहीं, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया। तो आई थिंक चले जी, जी बात कुछ कर रहे थे आप। जी तो मैं बता रहा था कि हमारा एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है और बहुत वो बेस्ड होता है मटेरियलिस्टिक चीजों पे। ऑब्वियसली अगर आपके अब्बू आपको एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करें, एक 24 साल का लड़का या एक 23 24 25 साल का लड़का वो लाइफस्टाइल इनिशियली आपको नहीं प्रोवाइड कर सके। ऑब्वियसली वो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, उसने अभी ग्रेजुएशन की है, अभी वो जॉब कर रहा है, तो वो सिक्स फिगर सैलरी और नाइस कार, ह्यूज हाउस, ये चीजें तो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये मीडिया आई गेस बहुत ज्यादा, लड़का होगा तो उसमें एटीट्यूड देखना, सिक्स पैक्स, ऐप, थोड़ा देखिए ज़रीन, थोड़ा सा दिल दुखावा इनका, तो इनडायरेक्टली जिन तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, आप मेरे साथ, आप मेरे साथ शो पे मैसेज अराउंड नहीं कर सकते, ये याद रखिए। मेरे पे लाना चाह रहे थे ज़रीन, लेकिन मैंने बोल दिया, जो लोग बाहर सुनना चाह रहे हैं देख लीजिए कि जिंदगी में एक ये क्राइटेरिया नहीं हो, हमारे बहुत से अच्छे भाई मौजूद हैं। बट ये कि बात हो रही थी तला भाई, जी वजी भाई, मैं जैसे अभी अब हम आखिरी मिनट्स में आ गए शो के, तो हम जैसे लास्ट जो हमारा जो हुआ था शो, उसमें सही तरह से हम वो एक प्रोग्राम नहीं कर पाए थे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। तो वहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अबाउट रोल मॉडल्स, कि हमारी यूथ को आजकल ये नहीं पता कि किसको फॉलो करना है, हु शैल वी कीप इन आवर साइकोलॉजी इन आवर माइंड एज अ रोल मॉडल्स। तो यहाँ मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे यूथ को ये बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम वो किस तरह से अपने रोल मॉडल्स बना सकते हैं और उसके लिए इनको क्या मेहनत, क्या रिसर्च करनी चाहिए। इसके उससे पहले मैं वापस से बात करूंगा कि हमारी शायद सिस्टर सैरिश को कॉल पे दिया। सैरिश आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है। जी जी बोलिए। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी अभी जो रिसेंटली सर ने बात की है कि वाकई आजकल जब गर्ल्स के भी रिश्ते आते हैं देखने के लिए तो वो ये नहीं देखते कि लड़की मतलब मजहब से कितना ज्यादा अटैच है, पढ़ी लिखी कितना है, उनको सिर्फ जॉब चाहिए होती है गर्ल की भी कि वो घरदारी अच्छा करती है, यानी नहीं सिर्फ जॉब की सैलरी कितनी है, किस लेवल पे कमा रही है। तो ये चीज इस पर भी क्रिटिसाइज करना चाहिए कि इस चीज को इतना ज्यादा नहीं देखना चाहिए आजकल। जी आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट सिस्टर। अनफॉर्चुनेटली हमने जो कोई ऐसे क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं बहुत आर्टिफिशियल से, तो वो बेसिकली जो है लोगों को जज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो बैठी हुई हैं, उनको क्या कहते हैं अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उनको 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 वैल्यू नहीं दी जा रही, और उनको देखा ही ये जा रहा है कि शायद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक हद तक कोई मेडिसिन पढ़ा हुआ हो या फना पढ़ा हुआ हो, और फिर बाद में उनको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे थे। अंडर इस्लामिक वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो आप जो है डिप्राइव कर देते हैं सोसाइटी में लोगों को कंट्रीब्यूट करने से, एंड स्पाउसेस हेल्प नहीं करते, हम कोशिश ऐसी आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट्स डाल देते हैं जो शायद इंसान को पूरी ज़िंदगी लग जाए उन चीज़ों को एक्वायर करने में, और ऐसे में हम बहुत सी यंगस्टर्स और बहुत से लोगों को फितनों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और जैसे अभी हमारे भाइयों ने जिक्र किया था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स के दिमागों में जो है ना एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है, और इसको हम जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपने एक पुराने रेगुलर जो लिसनर हैं तला भाई, उनको भी इंशाल्लाह ताला ले, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तला भाई क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजी भाई कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह तला भाई क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपकी जिस तरह न्यू टीम और नए तरीके से आप लोग का फ्राइडे नाइट शो स्टार्ट हुआ है उसके लिए बहुत अप्रिसिएशन है और बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे इसी तरह दीन के बेहतरीन काम लेते रहे। और ज़रीन भाई के लिए आपने मुझसे शादी की दुआ का कहा था, तो मेरी दुआएं हैं कि उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। दुआ कराइएगा। अच्छा फिर मुझे आपसे ये कहना था कि आज जैसे गोरा कल्चर चल रहा है, इस तरह भी कुछ मेरे जानने वालों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी मेरी कजन सिस्टर हैं, उनकी एक जगह पे निकाह फिक्स हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि लड़की को खास तौर पे कि हमें देखना है एक फोर्सफुली। इस टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन गोरा कल्चर के लिहाज से ही है, क्योंकि वो लोग बाहर से, वो लोग कैनेडा में रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें लड़की को देखना है फोर्सफुली। उन्होंने एक पिक्चर मजबूरन भेज दी कि चलो एक दफा लड़का देख सकता है,
लड़की को या बात कर सकते हैं, लेकिन अब वो फोर्स कहते हैं कि निकाह से पहले कुछ बातें करें ताकि हमारी पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसके बाद हम करें, वरना जो है आप तो इतनी ज्यादा रिलीजियस लगती हैं और बाद में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इससे पहले हम अंडरस्टैंडिंग करें। तो प्लीज इस पे कोई आप जरूर आंसर कीजिएगा, मैं अपनी बात को थोड़ा इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आप दूसरे लोगों को भी ले सकें और हमें आपको सुनना ज्यादा बेटर लगता है अपने से ज्यादा। जी इंशाल्लाह ताला भाई, ये जब टॉपिक मैंने मैरिज के मुतालिक कवर किया उसमें मैंने इस बारे में बात की है कि इस्लाम किस चीज़ पे इजाज़त देता है। ऑफ कोर्स इस्लाम आपको किसी गैम्बल की सिचुएशन में नहीं डालना चाहता कि आपने किसी चीज़ को जाने बगैर एक रिश्ता स्टार्ट कर दिया। ऑफ कोर्स जो शरई हदूद में रहते हुए आप किस तरह से बात कर सकते हैं और किस तरह से मिल सकते हैं और किस रिक्वायरमेंट पर किस हद तक देख सकते हैं, किसकी इजाज़त की बिना पर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने इंशाल्लाह जिक्र की है। ऑफ कोर्स आई थिंक हमारा टाइम बहुत लिमिटेड होता है तो मैं इंशाल्लाह इसको कभी वापस से डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं इसका आंसर टू द ऑडियंस तो आप वो वाला फ्राइडे नाइट शो का टॉपिक देख सकते हैं। वी टेक अनदर कॉलर एंड वी हैव इस्तियाक जमान ऑन आवर शो राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर इस्तियाक, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड I want to talk about this that we should not look forward to only face or other things. We should look about the inner beauties. ठीक है, बहुत आपने important बात की brother इस्तियाक कि inner beauty के ऊपर जो है focus करना बहुत जरूरी है। और inner beauty of course लोग सवाल यही करते हैं कि कैसे पता चलेगी, कुछ traits हैं और कुछ चीज़ें आपको जाहिर हो जाती हैं। ऑफ कोर्स आपको पूरी ज़िंदगी लगती है एक इंसान को जानने में, बट हमें लोगों को वैल्यू करना चाहिए उनकी असल एसेंस पर। आउटवर्ड तो अल्लाह ताला ने दिया है ना, उसको तो इंसान मजीद निखार सकता है। असल चीज़ जो अल्लाह सुब्हान तआला देखता है वो आपके दिल को देखता है, आपकी नीयत को देखता है, आपके किरदार को देखता है। एक तो अल्लाह ताला ने दे दी खूबसूरती, तो उस पर तो आप फ़ख्र और तकब्बुर क्या करेंगे? तो तकबर तो वैसे भी नहीं करना चाहिए किस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला की दी हुई है, लेकिन हमें लोगों को असल चीज़ों पे वैल्यू करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम माल जा और ये सब चीज़ों के ऊपर करते हैं। मैं एक हदीस भी ऐड करना चाहूँगा जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कयामत के दिन वो आपके माल और आपके चेहरे को नहीं देखेंगे बल्कि वो आपके दिल को, आपके कल्ब को और आपके आमाल को देखेंगे। तो वॉट मैटर्स, और हमारी यूथ को भी पता होना चाहिए, वो आपका दिल कितना साफ है और आपके आमाल कैसे हैं, वो ज्यादा चीज मैटर करती है। और ये बात हमें भी समझना है कि वलकत करमना बनी आदम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम औलादों को आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत दी है। आपको जो बार बार ये चीज़ पढ़ाई जाती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में, फेयरवेल सर्मन में, कि काले को गोरे पर और गोरे को काले पर फोकियत नहीं है। आप इस चीज़ को देखिए, लोगों को वैल्यू कीजिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी सोसाइटी में रेसिज्म बहुत है, हम चूंकि गोरों की गुलामी में इतने अरसे रहे हैं इसी वजह से हमारे अंदर गोरी स्किन, फेयर एंड लवली, ये स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को हमने अहमियत देना शुरू की है कि कहीं से लड़की गोरी हो और ऐसी हो, फना हो, लड़का भी ऐसा हो, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज, बट अंडरस्टैंड दैट ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इज समथिंग विच नेवर फेड्स अवे। ज़रीन, कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट्स आप कहना चाहें? बस वजी भाई यही बात है कि मीडिया हमें पहले तो ये चीज़ देखनी है कि हमारे रोल मॉडल्स कौन हैं और हम अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं। क्या हम न्यूज़ चैनल से लेते हैं, क्या हम सोशल मीडिया से लेते हैं, या हम कोई, जैसे आपने कहा तलहा भाई ने मेंशन किया था कि हम अपने माँ बाप से पूछें कि व्हेन समवन इज गेटिंग मैरिड क्या चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए ब्यूटी के अलावा, क्योंकि मैरिज इज़ नॉट जस्ट वो हनीमून पीरियड होता है एक दो महीने जो आप उस पर आउटर ब्यूटी पे शायद गुजार लो, लेकिन आफ्टर दैट इट इज प्योरली इमोशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ। तो हम ये चीजें अपनी इंफॉर्मेशन की सोर्स और उन सब चीजों को रिविजिट करें कि हम कहाँ से ले रहे हैं ये सब चीजें, क्या वो सोर्स ठीक है या हम सोशल मीडिया से ले रहे हैं या थिंग्स लाइक दैट, इन जगहों से। यही बात है, देखिए बहुत अच्छी बात की ज़रीन ने, वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दीन की हो या किसी और चीज की हो। किसी ने उठा के पुरानी किसी हिटलर की तस्वीर डाल दी कि वो आईफोन इस्तेमाल कर रहे थे, जस्ट बिकॉज इट्स ऑन द इंटरनेट डज नॉट मीन इट्स करेक्ट। तो जिस दौर में आप रह रहे हैं ना, वो आपको बताएंगे ये इंपॉर्टेंट है, आप मानना शुरू कर देंगे। गूगल सर्च में आपको वही चीज़ देंगे जो
आपको चाहेंगे कि आपकी नज़र में इंपॉर्टेंस हो, आपको उसी चीज़ की वैल्यू दिखाई जाएगी खबरनामे में, ताकि असल इश्यूज से आप अनअवेयर रहें। असल इश्यूज आपके और ज़रूरियात तो मसाइल कुछ और हैं, आपके असल मसाइल आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ और इस माशरे में तरक्की के लिए कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन आपको पॉलिटिशन के झगड़े, टॉक शोज़ में उल्टी सीधी बातें, सेलिब्रिटीज़ के चक्कर, फ़लाँ ने उसको डंप कर दिया, फ़लाँ ने नई गाड़ी ले ली, फ़लाँ ने जो जवाब दिया वगैरह वगैरह, ये आपके कंसर्न्स नहीं है। अगर आप एक फॉलोअर बनना चाहते हैं और एक भीड़ की चाल चलना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप एक इंसान इंटेग्रिटी वाले हैं, वैल्यू वाले हैं, सोचने वाले हैं, अल्लाह ताला की दीवी सोच को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप चीज़ों को उनके असल रंग में देखिए और देखिए कि असल इश्यूज़ क्या हैं। किताबों से अपने आप को मुजयन कीजिए, अपने आप को उलमा की बैठक में बिठाइए, अपने आप को समझदार लोगों की जो ऐसे दोस्त हों उनकी गैदरिंग में बिठाइए जो आपकी आखिरत की परवाह करते हों, आपको असल चीज़ पे वैल्यू करते हों, क्योंकि कल को आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको जो नमाज नहीं पढ़ने वाले दोस्त हैं तो पहली सब में भी ऐसी नजर आ जाएंगे तो शायद उनकी नमाज का कुछ पता नहीं। तो आप ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको अल्लाह सुब्हान व तआला से करीब करने वाले हों, आपके रब से करीब करने वाले हों। बातें बहुत सारी हैं, टाइम हमारा अनफॉर्चुनेटली एक्सीड हो गया है, तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे नाइट शो को एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा, और मैं वापस एक बात बोलूंगा कि देखिए आपको अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो ईमान की दौलत दी है उससे आपकी असल वैल्यू है, तो ईमान के ऊपर लोगों को वैल्यू कीजिए, और ईमान ही है जो जिस अल्लाह की नज़र में इंपॉर्टेंस है रखती है, और आपकी मीज़ान में जो अल्लाह सुब्हान व तआला क़यामत के दिन वेट करेंगे वो आपके नेक आमाल ही हैं। मैं तला भाई से बहुत बहुत उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आपने वक्त निकाला, लास्ट टाइम भी निकाला था, एंड थैंक यू फॉर कमिंग अगेन ज़रीन, आपसे मैं शुक्रिया करूँ, आप तो ऑफिस में ही होते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आई होप आपको आज का जो शो है पसंद आया हो, जो बातें की गई हो, और जो लोग एतराज़ कर रहे थे कि हमने टॉपिक क्यों रखा, उनको समझ में आ गया हो कि हम क्यों कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अपना खास ख्याल रखिएगा, बच्चों को बहुत प्यार दीजिएगा, और जो है घर वालों को, माँ बाप को बहुत प्यार, उनकी रिस्पेक्ट, उनका ख्याल रखिएगा, पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए दुआ कीजिएगा, और इन दुआओं के साथ इंशाल्लाह ताला अभी के लिए जो है खैरबाद आपसे कहते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे नाइट शो को एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।